कैसे हो आप सब लोग? और होपफुली आज करवा चौथ है तो आप सब लोग भी अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। तो कुछ कुछ मेरी भी तैयारियाँ स्टार्ट हो गई है। आज मैंने सुबह से ये सूट डाल लिया। थोड़ा सा आज का दिन ऐसा कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा रेड, मतलब रेडिश पिंक ऑरेंज इस टाइप का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। और मैंने सुबह से पहन ली हैं चूड़ियाँ। मैं यही चूड़ियाँ ये उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि जो वेलवेट वाली टच में मैं लेके आई थी, तो मुझे ये प्लेन से अच्छी लग रही थी तो मैंने ये चूड़ियाँ पहन ली है। जिससे कि वैसे तो पहनते नहीं ना अपन लोग इतने सारे, तो ये है, तो ये मैं ये है। अभी बचे हैं करीब सुबह के 10:30। तो काफ़ी कुछ काम मैंने निपटा लिया है और शाम को तक घर जाना है। जैसे कि आज संडे है तो काफ़ी कुछ काम पेंडिंग ऐसा भी रहेगा ना जो हम लोग आज निपटाएंगे। ऐसे घर के भी होते हैं बहुत सारे काम, तो वो सब निपटा निपटू करेंगे। और आपके यहाँ क्या क्या बनता है? जैसे कुछ चीज़ें हैं जैसे अपने यूपी में पिन्नियाँ और ये सब जरूरी बनती हैं, बट जैसे यहाँ पे कड़ी वगैरह बनना ज़रूरी होता है, तो मैं वो सोच रही थी कि अभी सब निपटा लूँ उसके बाद मैं वो सब बनाऊँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ये है। और इस बार मैंने कोई नई साड़ी नहीं ली है अपने लिए, मतलब मैंने सोचा फुर्सत में लूँगी। तो इस बार मैं जो मेरी गोद भराई वाली साड़ी है ना, आप लोगों ने तो इतना वीडियो एंगेजमेंट में था जो मेरे को बाद मैंने उड़ाई थी बाद में, तो क्रीम कलर की है, तो मैं इस बार वो पहनने वाली हूँ, वही मिला। क्योंकि पता है एक कहीं ना कहीं रीज़न ये भी है कि मैं अपने हेयर्स की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है अरे यार, और टाइम भी नहीं मिला। तो मैंने वो साड़ी अभी तक करवा चौथ में नहीं पहनी, तो मैं सोचा जो वो पहनूँगी, वो निकालूँगी, बहुत दिन से नहीं पहना है। तो चलो कुछ 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 तैयारियाँ जो मैंने करी हैं, जा रही हूँ महावर लगा रही हूँ, पैर पीछे चेंज कर लेती हूँ, और कुछ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर आगे जैसा चोर हो। तो बस ये मेरे पास नए तो सबके पास ही रखे होते हैं, मतलब ये तीन दो तीन इसी मैंने मिक्स कर दिए हैं शायद, देखिए। और ये दो तीन जोड़ी मेरे पास नए रखे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ ये वाली इस बार पहन लेती हूँ। मुझे थोड़े चौड़े नीचे जो चौड़ा होता है ना वही मुझे अच्छा लगता है, तो सभी के पास रखे होते हैं। फिर मैंने आज ये निकाला ना, तो ये दो तीन मेरे पास पड़ी थी ये भी नई, तो मैंने कहा चलो, वैसे तो रेगुलर नहीं ही पहनते हैं। फिर मैंने सोचा कि यार अब कौन सी करूँ, फिर मैंने ये वाली ट्राई करी। ये वाली ना मामी जी ने मुझे दी थी, उन्होंने ब्लॉग में आपके साथ शेयर भी किया था ना, तो मैंने कहा चलो ये अच्छी है और पतली सी भी है, तो मतलब ठीक है, पड़ी रहेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं रहेगा। नहीं तो वो जरा सी भी कोई ऐसी होती ना बजने वाली या इस तरीके से, तो वो लगता है कि तुरंत उतारो। तो बस चलो ये और चेंज कर लेते हैं, फिर आगे की देखते हैं। खाना बन के करीब दोपहर के बज रहे हैं 12:30। मेरा खाना बन के रेडी हो गया है और मैंने इसको पैक भी कर लिया है कि मैं इसको एज इट इज़ ले जाऊंगी। तो जैसे मैंने क्या क्या बना लिया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इसमें मैंने खीर बना के रेडी कर ली है। मिठाई एक अलग से आती है, बट एक घर का मीठा और हमारे यहाँ सबको खीर पसंद है, तो आपको पता है। देन मेरी कढ़ी बन के रेडी हो गई है और इसमें ये देखिए मैंने दही बड़े बना लिए हैं, तो मेरे दही बड़े रेडी हो गए। और इधर मेरी अभी बन रही है सूखी आलू गोभी की सब्जी। तो ये है, हालांकि निलय ना कढ़ी खाते हैं ना दही बड़े खाते हैं, इसलिए अब वहाँ घर पे अब मैं बनाऊंगी जाके मटर पनीर की सब्जी, तब जाके सिर्फ खाना पूरा होगा, बाकी पूरी वगैरह तो सब वहीं बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैंने पूरी पैक करके रख दी हैं। मेरी एक तैयारी में ही था, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। सब जगह ही होता है ना, बड़ों को कुछ देते हैं, तो ये मैं लेके आई हूँ दो साड़ियाँ और दिखा देती हूँ। ये भी मुझे इस बार मस्टर्ड कलर बहुत पसंद आया, ये एक साड़ी है, रुकिए मैं दिखाती हूँ। तो इस तरीके से है। एक्चुअली मुझे इस बार ना सिल्क विल्क वाला कपड़ा नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट कॉटन या कुछ भी ऐसा चाहिए था जो बहुत फिसले ना चिकना, तो ये लेके आई हूँ मैं मम्मी के लिए। और आप लोग बताना कैसी लग रही है। ये अंदर से ये पूरा हाथ का वर्क है, दरी वर्क है, और ये देखिए अगर मैं पास से दिखाऊं, ये देखिए जरी भर के पूरा हाथ का है। अगर आप बैक साइड भी देखोगे ये कोई प्रिंट नहीं है, इस तरीके का है। और इसमें पूरा ये देखिए, तो मुझे लगता है कि शायद पसंद आए, बाकी लेट्स वेट। इसका जो पल्लू है वो है इस तरीके का, कुछ एक हैवी पल्लू है, और ये थोड़ी सी कॉटन टच में। और इधर ये देखिए इन्होंने ऐसे किनारे टेसल्स लगा हुए हैं, इससे थोड़ा साड़ियों का हैवी लुक आता है। तो एक ये मैं लेके आई हूँ, और दूसरी मैं लेके आई हूँ निशु के लिए, वो बहुत आपने तो देख ली है, वो तो ज़्यादा नहीं पहनती है। और ये मैंने लिया है, मैंने मैंने बोला ना पिंक ऑरेंज इस कलर के शेड में मैंने नहीं लिए है,
तो ये आप बताना ये कैसी लग रही है। ये भी पूरा ऐसा हाथ की मतलब एम्ब्रॉयडरी वर्क है, पूरा ऐसा है और साइड में लगे हैं टैसल्स और ये बहुत ये देखिए बिल्कुल और इस तरीके से है वो। मैं पूरा इसमें लुक दिखा नहीं पा रही हूँ आपको, शायद इस तरीके से है ये देखिए, नीचे सीक्वेंस का वर्क है। तो आप मुझे ज़रूर बताना ये कैसी लगी। ये बहुत ही हल्की साड़ी है, बहुत ही हल्की साड़ी है, तो ये मैं लेके आई हूँ। बाकी कभी मैं वेयर करूंगी कभी वो करेगी तो ऐसा हो जाता है, ऐसा चल जाता है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और अंधेरा होने लगा है बाहर, अगर आप ऐसा देख सकते हो। और हम लोग जा रहे हैं, देवव्रत को रेडी कर दिया, मेरा वो बैग रखा है जिसमें मैंने अपनी साड़ी रखी है, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है, थोड़ी बहुत चीज़ें अब क्या है, आपका फिर से ही थकान दिखने लगेगी, तो अब ना लग रही है थकान सी लग रही है। तो टाइमिंग वही मैं देखती हूँ कि क्या है, मुझे बताएंगे आगे का, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और हम लोग वहाँ पे पहुँचे ना, तो वहाँ पे भी श्री राम की एक ब्रांच है, वहाँ से हम लोग को मिठाई लेनी थी, मिठाई तो चाहिए ही होती है। इतनी भीड़ थी ना, इतनी दूर से गाड़ी से होने की, अब बाप रे, मतलब मैंने तो इनसे कहा था कि चलो छोड़ो यार रहने दो, फिर निक्की ने बोला रुको हम ले लेते हैं। तो मतलब गाड़ी कहीं आपको बहुत दूर पार्क करनी पड़ी तब जाके आपको मतलब यहाँ से हम लोग ले पाए थे मिठाई। तो इधर आके हो गई है, कढ़ी वगैरह बन गए थे, चावल बना लिए हैं मैंने इधर, और क्या बताऊँ, मैंने बना लिया मटर पनीर की सब्जी, और सब पैक जो था वो अभी ऐसे रखा है, निकालेंगे। इधर हो गई है पूजा की तैयारी, नींजू लगा रही है महावर, हम लगा चुके हैं। देख लो जरा कैसे लगा रहे हैं साहब लोग, कैसे लगाते हैं। आज सजी है, आप लोगों ने बहुत बार कहा था ऐसा कि नीसू एक ही हेयर स्टाइल करते हैं, इसलिए हमने नीसू से कह दिया कि नीसू इतना जुड़ा नहीं बनेगा। इसलिए ये हो रहा है। और ये हमारा ये वाला मंदिर है, यहाँ पे देखो 3 कैलेंडर लग गए हैं, चौक हो गई है, करवा हो रहा है ऐसे पूजा। भैया अभी आपके आईज में लग गई थी ना, रख दो इससे लग जाएगी। कितना गंदा है, चीची छोटा है, अच्छा पापा का हैंड, इसका हैंड, इसका हैंड है 6 6, ठीक है, ये से छोटी है, छोटी है, अच्छा ऊपर चल। तो इस तरीके से सब हो रही थी, और ये बात हो रही है मौसी से, मौसी भी कह रही थी अम्मी आ जाए, मम्मी कहती आ जाओ भाई अब तो तैयारी हो गई है, और यही सब चल रहा था, ये सब चलता रहता है। और अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम वॉइस ओवर ना करूँ, मुझे टाइम नहीं मिला अपना पूरा लुक ऐसे फ्रंट दिखाने का, तो आप देख लीजिएगा ऐसे ही मैनेज कर लीजिएगा। तो मैं कह तो रही हूँ कि अगर मैं वॉइस ओवर ना करूँ ना, तो आप मेरे घर में सिर्फ बच्चों की आवाज़ सुनोगे, चिल्लाने की आवाज़ सुनोगे, क्योंकि ये सही इतने साल सुनते ही नहीं है। लो वेद आ लो, देखो ना बेटा आंटी कंटी तो चला पूजा कर ले, मैं इन पानी पूजा कर, खाना है लड्डू की नहीं, अबे लड्डू आंखें देखो डड्डू, वो कटोरी में लग लो जाके। तो ये देख सकते हो आप, पूजा तुम्हारी बाद में प्रसाद के लिए रोला रट्टी हो गई, जबकि समझिए ये तो लड्डू इन लोगों को पसंद है, मिठाई नहीं खाएंगे, बर्फी जो होगी वो नहीं खाएंगे, लड्डू के लिए रोना धोना मच गया था। तो पहले भाई चलो पूजा किनारे करो, भगवान का भोग निकाला गया अलग, भैया पहले इन लोग को दे दो जिससे कि, और इसी तरीके से बच्चों के साथ तो इसी तरीके से हो जाता है, तो सबने अपना अपना पकड़ लिया है। तो आगे का मैं आपसे और शेयर करूँगी, इसी तरीके से चीज़ें हुई और कैसे मैं पूजा हुई वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी।